दोस्तों मैं हूं संजय और पहाड़ी कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। पहाड़ी कुकिंग चैनल में आज मैं बनाने जा रहा हूं काले चने और राजमा की दाल। हाँ जी दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस दाल को बहुत कम बनाया जाता है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है। दोस्तों एक बार इसे जरूर ट्राई करें। तो क्या है पूरी रेसिपी, आओ देखते हैं पहाड़ी कुकिंग चैनल पर। यहाँ पर देखिए आप, प्याज लहसुन अदरक को मैंने एक साथ चॉप किया हुआ है, टमाटो को भी चॉप कर दिया है, खड़े मसाले मैंने जो मेरे पास अवेलेबल थे वो लिए हैं। आपके पास भी जो खड़े मसाले अवेलेबल है किचन में उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक पैन में कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है, अब खड़े मसाले हम डाल देंगे। खड़े मसालों को अच्छी तरह से स्टर करना है और इनको तड़कना है। साथ में चॉप किए हुए प्याज लहसुन अदरक को हम एक साथ डाल देंगे और इनको स्टर करेंगे। गोल्डन कलर आने तक हमने इनको कुक करना है, तब तक आप इन्हें स्टर करते रहें जब तक ये ऑयल को सेपरेट नहीं करते हैं। प्याज लहसुन अदरक का हल्का गोल्डन कलर हो जाए तो फिर हल्दी का प्रयोग करें, गर्म मसाला डालें, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हम यहाँ पर, और मेरे पास भुने हुए मसाले हैं उनका प्रयोग मैं करूँगा। अगर आपके पास भी है तो आप इनका प्रयोग करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से प्याज लहसुन अदरक के साथ मिला दें मसालों को। इनमें जो फ्लेवर होता है टोटली हमने ऑयल में लेना है। अब टमाटो का प्रयोग कर दें और थोड़ा सा सॉल्ट डालें टमाटो में, ताकि टमाटो हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। टमाटो को अच्छी तरह से गलाना है, स्टर करें। आप लीड से भी आप कवर कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक जो है टमाटो को अच्छी तरह से कुक करना है, जब तक ये पूरी तरह से गल नहीं जाते और इनका फ्लेवर ऑयल में नहीं आता, तब तक आपने टमाटो को अच्छी तरह से कुक करना है। अभी हमारे टमाटो जो है थोड़े हल्के नरम हो रहे हैं, तो अब हम लीड से कवर करके भी इनको कुक करेंगे। तो अच्छी तरह से हमारे टमाटो गल गए हैं, आप देख सकते हैं, और ऑयल को भी इन्होंने सेपरेट कर दिया है। काले चने और राजमा की दाल को मैंने बॉयल कर लिया है, 5 से 6 स्टीम इसमें ली है। अब हम ग्रेवी में उढ़ेल देंगे, अच्छी तरह से स्टर करेंगे, मिलाएंगे दाल को ग्रेवी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने और राजमा की दाल। अभी 2 से 3 मिनट हम कुक करेंगे लीड से कवर करके। लीड से कवर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी दाल का टेक्सचर इस तरह का बना हुआ है। दाल हमारी बहुत थिक है, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे हम। दाल को बॉयल करने में जो पानी यूज किया था उसका प्रयोग करें, और तरी आपको कितनी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी लगाएं दाल को। अब 3 से 4 मिनट हम लीड से कवर करके दाल को कुक करेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डालेंगे, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, इससे बहुत बेहतर फ्लेवर आता है। फिर लीड से कवर करके कुक करें। तो ये आप देख सकते हैं हमारी काले चने और राजमा की दाल दोस्तों, बहुत ही बेहतर लग रही है और बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है, और एक लाजवाब स्वादिष्ट दाल दोस्तों तैयार हो गई है। अब ये प्लेट आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी काले चने और राजमा की दाल दोस्तों। अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। बहुत कम इस दाल को बनाया जाता है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें। जो जो स्टेप मैंने बताए उनको फॉलो करें और इस दाल को अपने घर में ज़रूर बनाएं। काले चने और राजमा की दाल आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।